टू इंडिया नेचुरल मेडिको यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं वीडियो नंबर 4 में यानी 4 में खांसी के उपचार के बारे में। दोस्तों ये खांसी जो है अक्सर सर्द के मौसम में ज़्यादा होता है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बच्चे को भी हो जाते हैं। इसमें बच्चे या बूढ़े की मात्रा ज़्यादा होती है खांसी के मामले में, और थोड़ा जवान युवा अवस्था में भी होता है, लेकिन थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता है बस। और थोड़ा खान पान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपका शरीर अगर ठीक रहा तो फिर क्या सर्दी खांसी बुखार भी नहीं लग सकता है और खांसी भी नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा सा कम पड़ गया विटामिन्स की मात्रा या तो बहुत सारी बात होती है, तो उससे भी आपका जो है एलर्जी से भी खांसी होता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है सर्द से बचिए, ठीक है। सर्द से ये सबसे पहली बात है कि सर्द से आप बचिए, ठंडा पानी कम यूज किया कीजिए, आप गर्म पानी का इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप इसी से इसको पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए। तो कहने का मतलब है कि आप खांसी से निजात पाने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी देखिए, सुबह उठे या शाम में या रात को सोते समय आप गर्म पानी यानी हल्का सुषुम पानी ही इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि खांसी में बहुत ही लाभ होता है, और खांसी नहीं के बराबर होता है, ठीक है, नहीं भी होता है, ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे हम आज उपचार आपको बताने जा रहे हैं खांसी के उपचार के बारे में। तो 5 काली मिर्च और 1/4 चम्मच पिसी हुई सौंठ 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ वाली खांसी में भी ये जो है लाभ होता है और ठीक भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब इसको भी इस्तेमाल में आप ला सकते हैं, और आप अपने सेहत का भी ध्यान रखते हुए देखिए, ये जो है हम जो बता रहे हैं इंडियन नेचुरल मेडिको भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये आप अपने तक ही इस वीडियो में सीमित मत रखिए, आपको जैसे जानकारी मिले वैसे दोस्तों को भी शेयर कीजिए किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनका स्वास्थ्य भी अगर बिगड़ा हुआ होगा यानी खराब होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए वीडियो को, ठीक है। और आप हमारे इंडियन नेचुरल मेडिको यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटे के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, यानी घंटे का जो चिन्ह दिख रहा है ना उसको दबा दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर किया कीजिए, ताकि ये जानकारी सीमित नहीं रह पाए, यानी कि आप ही तक नहीं, यानी कि पूरे दोस्तों को भी पता चल जाए ना कि ये किस तरीके से खांसी हो रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें तो कोई पैसे लग नहीं रहे ना, सारे व्यवस्था तो घर में ही हो जाते हैं, रसोई घर में, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करके आप अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे बने रहिए इंडियन नेचुरल मेडिको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम अगले वीडियो में नए वीडियो लेकर के आते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।